मार्कोस रोजो द्वारा 68वें मिनट में किए गए बेहतरीन गोल के दम पर अर्जेंटीना ने मंगलवार देर रात खेले गए फीफा विश्व कप में के 21वें संस्करण में ग्रुप डी के मैच में नाइजीरिया को 2-1 से मात देकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली। ये अर्जेंटीना की इस विश्व कप में पहली जीत है। पहले मैच में उसने आइसलैंड को 1-1 से ड्रॉ खेला था, तो वहीं दूसरे मैच में उसे क्रोएशिया से 3-0 से हार मिली थी। इसी कारण अर्जेंटीना के अगले दौर में जाने पर संकट था। उसे इस मैच में जीत चाहिए थी और साथ ही दुआ करनी थी कि ग्रुप के दूसरे मैच में क्रोएशिया आइसलैंड को मात दे। इस दिन सब कोच अर्जेंटीना के पक्ष में था। उसने नाइजीरिया को हराया तो वहीं क्रोएशिया ने आइसलैंड को 2-1 से हरा दिया। क्रोएशिया ने 3 मैचों में 3 जीत के साथ 9 अंक लेकर पहले स्थान के साथ ग्रुप दौर का अंत किया। वहीं अर्जेंटीना ने 3 मैचों में 4 अंक लेकर दूसरे स्थान के लिए अंतिम 16 में प्रवेश किया। नाइजीरिया और आइसलैंड को विश्व कप से बाहर जाना पड़ा। अर्जेंटीना ने मैच की सकारात्मक शुरुआत की, वहीं नाइजीरिया भी कम आक्रामक नहीं। आखिरकार मेसी ने 14 मिनट में गोल कर अपनी टीम और प्रशंसकों को वो लम्हा दिलाया जिसका लंबा इंतजार करना पड़ा। मेसी को जब मैदान के बीच से बेनेगा ने गेंद दी और अर्जेंटीना के कप्तान ने बॉक्स से बाहर गेंद पर कब्जा कर अंदर घुसे और दाईं ओर से गेंद को नेट में इस विश्व कप में अपना खाता खोला। मेसी का ये गोल इस विश्व कप का 100वां गोल था। 28वें मिनट में मेसी ने दाएं छोर से गोंजालेस इग्वेन की गेंद दी जिसे नाइजीरिया के गोलकीपर फ्रांसिस यूजोहो ने रोक दिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।